नमस्कार, मैं आनंद सिंह राठौर फ्रॉम फतेह स्टड फार्म केलवा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता राजस्थान के अंदर और उदयपुर से करीब 75 किलोमीटर टूअर्स अजमेर हाईवे के ऊपर गांव है, वहीं हमारा स्टड फार्म है। हम लोग काफ़ी सालों से, करीब 20-25 साल से ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है और हमारे यहाँ ये गजेंद्र पाल सिंह जी के दिलबाग का बच्चा है राजनगीना, सबसे पहला बच्चा वो है। फिर एक सिद्धराज करके घोड़ा था, उसका बच्चा है रूप। एक जयराज घोड़ा था, उसका बच्चा है श्रीराज। ऐसे करके हमारे पास अच्छे ब्लड लाइन के 5-6 स्टैलियन थे और केलवा, झुझावर और विजयपुर मिला के हमारे पास करीब 20 मेयर थे। हम लोग रेगुलरली ब्रीडिंग में काम करते हैं, बच्चे भी देते हैं। मैंने ये देखा काफ़ी लोगों के, काश्तकारों के जो छोट कम घोड़ियाँ रखते हैं उनकी घोड़ियाँ खाली रह जाती हैं और साल भर सफ़र करते हैं। उसमें मेरा एक आपको एक सजेशन था, इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया था कि इससे जो नॉन है उनके लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो अननोन है नए हैं उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सबसे पहले आप मेयर कोई भी लें, उसको अगर वेटनरी चेक हो जाए, अपने को साइंस का सहारा लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। वेटनरी डॉक्टर से चेक कराएं, उसमें ओवरी कैसे है, उसके यूट्रस कैसी है, तो उसमें कोई बीमारी है तो अपने को पता चल जाएगी। आपने मेयर ले ली तो आप जब वो हीट में आती है तो आप उसका सबसे पहले हीट साइकिल देखें। घोड़ियाँ कोई 3-4 दिन भी रहती है, 6 दिन भी रहती है, 9 दिन 12 दिन तक भी रहती है, तो ओविलेट कब होती है ये साइकिल आपको हर मेयर की, अपने घर में जो मेयर है उसकी पता होनी चाहिए। जैसे जनरली 60-70% मेयर 6 दिन में ओविलेट करती है, तो ओविलेशन के फर्स्ट 33 दो दिन आप वो कुछ भी उसका फॉलिकल ग्रोथ में आता है और नेक्स्ट 2-4 दिन में वो अपनी साइज लेता है, तो 4th डे इवनिंग मतलब 66%, या आप समझ लें 6 में से 4th दिन शाम को फॉलिकल की साइज। अब फॉलिकल की साइज भी अपने को 25 mm से 35 mm, 30 mm से प्लस साइज होगी तो अपने को जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो फॉलिकल साइज भी देखनी होती है, फॉलिकल की वो कितना हार्ड है या नरम है, कब है वो फॉलिकल बस्ट होता है, उस हिसाब से अपने को कवरिंग देनी पड़ती है। या ट्रांसपोर्ट करना है तो अपने हाथ में रहे वो सब चीज़। मेरा मेन कहना ये कि आप वेटनरी डॉक्टर जो इसमें अच्छे हैं और जो सोनोग्राफी मशीन है उसको आप रेगुलर यूज़ करें ताकि अपनी आँख अंदर जा सके। थ्रू द मशीन वी कैन लुक इनसाइड व्हाट इज देयर, कोई फ्लूड है, कोई डिफॉर्मेशन है, कोई खराबी है, फॉलिकल साइज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन से हॉर्न में है। और कवर कराने के 1 महीने बाद अगर सोनोग्राफी, आजकल वेटनरी हॉस्पिटल्स में सब जगह सोनोग्राफी है और अच्छे डॉक्टर्स अपने यहाँ राजस्थान में, जैसे हमारे उदयपुर में डॉक्टर अरोड़ा साहब करते हैं, सादरी में पुरोहित साहब करते हैं, तो जहाँ जहाँ ये सोनोग्राफी अवेलेबल है और जो गायनिक डॉक्टर्स है उनको आप चेक कराएं। कवर कराने के बाद भी अगर प्रेग्नेंट है उसको हर महीने चेक कराएं, कोई फ्लूड में हेजीनेस है या और कोई चीज़ है। जयपुर में एक उदय प्रताप बना है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर अपन वेटनरी डॉक्टर और सोनोग्राफी मशीन को टाइम से टाइम, घोड़ी को आप छोड़े मत। घोड़ा कवर कराने के बाद लोग ये सोचते हैं ये तो रुक गई और 8-7 महीने बाद पता चलता खाली हो गई, तो खाली रहने का कारण ये कि अपने उसको छोड़ दी, तो आपका 1 साल का नुकसान, खर्चा सब बचता और एक अच्छा बच्चा मिलने वाला था वो नहीं मिलता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर और सोनोग्राफी मशीन को रेगुलरली यूज़ करें। इवन प्रेगनेंसी में 4-5-6 महीने की प्रेगनेंसी तक भी आप उसको फॉलो करेंगे, यू विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू।